हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज की ये लेटेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे पुराने शॉल से या तो फिर पुराने स्टॉल की मदद से बहुत ही यूज़फुल चीज़, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक पुराना स्टॉल लिया हुआ है वूलन, इसको मैं इस तरीके से ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर दूँगी। तो ये मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रायंगल शेप में ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमें एक कॉर्नर से इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पे 4 इंच की गैपिंग में हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे करते हुए एक कॉर्नर से हमें सेंटर से कट नहीं करना है, कॉर्नर से कट करना है और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 4 इंच का आएगा। ये हमारी इस तरीके की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको खोल देना है। तो ये देखिए, ये जब हम खोलेंगे तो ये वाला ऊपर हमारा नेक वाला एरिया ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से खुल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे राउंड करके ये दोनों कॉर्नर से मिला देना है। तो राउंड करने के लिए हमें निशान लगा लेना है पहले राउंड सर्कल में और फिर हमें इसकी राउंड कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम ऐसे करते हुए राउंड इसकी निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे करते हुए हम पूरी इसकी राउंड कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे करते हुए पूरा हम इसको कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको बराबर कर लेंगे अच्छे से। तो ये हो गया है और ये 2 पीस हमारा निकल जाएगा। 2 पीस निकलने के बाद इसके नेक को हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं और इसके बॉर्डर को भी हम चाहे तो फोल्ड कर लें। ये मैंने नेक फोल्ड कर लिया है, इसका भी नेक फोल्ड कर लिया है और अब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों पीसेस को ज्वाइंट कर लेंगे। नीचे की ओर में हम ये फोल्ड नहीं करेंगे, नीचे की ओर में हम लेस लगाएंगे और यहाँ से पूरी हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे लेस लगाकर। तो ऐसे करते हुए हम पूरी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे लेस लगाकर और अब हमें ऐसे दोनों साइड से इसकी स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ से दोनों साइड से स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों तरफ हमने लेस लगा दी है तो इस तरीके से ये बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हमें इसको कैप लगानी है। तो कैप लगाने के लिए जो मैंने इसकी कटिंग की हुई थी नीचे से, जो इसको सर्कल शेप में, उसमें हमें कैप कटिंग करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले नेक की मेज़रमेंट रखनी है। ये मेज़रमेंट है हमारी 7 इंच की और इसी का डबल हमें 14 इंच का हमें एक कपड़ा लेना है। इसकी चौड़ाई हमें 14 इंच की रखनी है। तो ये दो कपड़ा मिलाकर 14 इंच का ये हमारा हो जाएगा। इसको अब हम बराबर कर लेंगे। लंबाई आप चाहे जितनी भी रख सकते हैं, चौड़ाई आपको 14 इंच की रखनी है। तो ये 7 इंच का है और एक और पीस हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे तो वो 7 इंच का हो जाएगा। तो 14 इंच का ये हमारा पीस हो जाएगा। इसको हम बराबर कर लेंगे। लंबाई मैंने यहाँ पे 9 इंच की रखी है। उससे में से ही एक और पीस लेंगे और इन दोनों को हम एक दो साइड से जॉइंट कर देंगे, एक चौड़ाई में और एक लंबाई में। इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक चौड़ाई में और एक लंबाई में हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे करते हुए और इसके बाद अब हम यहाँ पे, ये मैंने स्टिचिंग कर ली है, अब हम इसको खोल देंगे। तो देखिए ये हो गया है ऐसे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे ये जो चौड़ाई वाला स्टिचिंग है वो हमें इस तरीके से आगे की ओर ले आना है, जिससे कि ये हमारी चौड़ाई जो है पूरी आगे की ओर आ जाए। और अब हम यहीं से इसको फोल्ड कर लेंगे आगे का सेंटर। और इसको आगे का सेंटर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा गैपिंग में फ़ोल्ड करेंगे ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें।
तो ये थोड़ा चौड़ा हम फोल्ड करेंगे ऐसे करते हुए, और इसके बाद अब हम इसको भी जॉइंट कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसके सेंटर से बिल्कुल हम यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे, और जॉइंट करने के बाद यहाँ से इसको और यहाँ से आगे की ओर हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे करते हुए। यहाँ से हम उसको जॉइंट कर लेंगे पीछे की ओर से, और यहाँ से पूरा हम आगे की ओर से दोनों साइड से जॉइंट करते जाएंगे। तो ये हमारी कैप ऐसे बन जाएगी। इसके बाद अब हम इसमें ये जो मैंने आगे फ्रंट वाला ओपन डोरी वाला बनाया था उसमें हमें डोरी को लगा देना है। तो सिंपली हमें डोरी को इस तरीके से लेकर इसमें डाल देना है। ये मैंने डोरी रखी हुई थी तो मैं इसका यूज़ कर लूँगी, और इसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने डोरी डाल दी है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे एक पॉम पॉम बनाकर लगा लेंगे इस साइज़ का, जिससे कि ये कंप्लीट लुक हमारा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ऐसे हो गया है, और इन दोनों को हम इसी डोरी में लगा देंगे। तो ऐसे करते हुए ये मैंने इसको बांध दिया है, और ये हमारा कैप हो गई, और ये इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा सा इस तरीके का पोंचो बनकर रेडी हो गया है, जो कि आप ठंड के सीज़न में इसको आराम से वेयर कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन में, जीन्स पर, सूट पर, कोई भी तरीके से आप इसको लुक दे सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कुरैशी की शॉल से। तो ये मैंने यहाँ पे कुरैशी की शॉल ली हुई है। अगर आप भी इससे बोर हो चुके हो तो आप इस तरीके से इसको बनाकर पहन सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया गया, शॉल की जो साइज़ होती है वो लंबी होती है और स्टॉल की छोटी होती है, तो शॉल की साइज़ ये लंबी है, तो इसलिए हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, और नीचे का साइज़ हमें निकाल लेना है। तो नीचे का जो एक्स्ट्रा साइज़ है वो हम कट कर लेंगे, और इसे स्क्वायर पीस में हम ऐसे फोल्ड करके निकाल देंगे, तो ये हमारा बराबर से स्क्वायर पीस में हो जाएगा। इसके बाद हमें ऐसे ही इसको रखना है ट्रायंगल में ही, और इसके बाद अब हम यहाँ से इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर यहाँ से इस तरीके से कटिंग हो जाएगी हमारी, और अब हम इसकी नेक की जो इस तरीके से शेप है वो मैंने वी शेप में रखा है, आप चाहे तो सर्कल में भी रख सकते हैं। और इसके बाद अब हम सिंपली इसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से नेक की डिज़ाइन हम इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे करते हुए, फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद से एक साइड से हम इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, और नीचे की ओर से एक साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपली फोल्ड, एक तरफ से हमारा ये बॉर्डर है तो एक तरफ से ही हमें बस इसको फोल्ड कर लेना है, और एक तरफ से हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो ये हमारा देख सकते हैं एक तरफ से मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है, अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और ये इस तरीके से मैंने इसकी फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो कटिंग की हुई थी उससे हमें इसकी कैप बना देनी है। तो कैप का सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने पहले वाले में बनाया था, वैसे ही सेम हम इसमें भी बना लेंगे। पहले हम नेक की मेज़रमेंट रखेंगे, और उसी साइज़ से हम दो पीसेस ले लेंगे इसी साइज़ के, और उसके बाद दोनों को जॉइंट कर देंगे, और सिंपली हम दो साइड से स्टिच कर लेंगे। दो साइड से स्टिच करने के बाद हम इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो ऐसे करते हुए मैंने अटैच कर दिया है, देख सकते हैं दो साइड से मैंने। इसके बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए दो साइड से एक लंबाई में एक चौड़ाई में मैंने इसकी स्टिचिंग लगा दी है। अब ये जो चौड़ाई वाली जो स्टिचिंग है वो हम फ्रंट कर लेंगे ऐसे। फ्रंट करने के बाद से अब हम इसको भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट में बॉर्डर आ गया है आगे की ओर, और इसको अब हम इस वही
पॉन्चो में ज्वाइन कर देंगे ऐसे करते हुए, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले में किया था। तो सेम ऐसे ही गले के बीच के सेंटर से हमें इसको लेना है और यहाँ से हमें इसकी स्टिचिंग करते जाना है। ऐसे करते हुए हम पूरी इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने फ्रंट में इसको लगा दिया है और ऐसे एक के ऊपर एक मैंने बॉर्डर लगा दिया, जिससे कि इसका लुक जो है वो दूसरे टाइप का हो गया है। सो इस तरीके से ये वी शेप में हमारा पोंचो बनकर रेडी हो गया है। वो मैंने सर्कल में बनाया था, ये मैंने वी में बनाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।